अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन। आज हमारा टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड आईपी नेटवर्क्स। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस वक्त इमर्ज कर रही हैं या इमर्ज कर चुकी हैं, उन सब के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या उसका जो क्रक्स है वो आईपी नेटवर्क्स है। बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हम 5G की बात कर लें, जैसे हम AI की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, हम किसी भी टॉपिक का नाम ले लें, किसी भी टेक्नोलॉजी का नाम ले लें, वो आईपी के बगैर अधूरी है। या आप कह सकते हैं कि आईपी के बगैर उसकी वो फंक्शनैलिटी जो हम में चाहिए वो हम गेट नहीं कर सकते, या आईपी नेटवर्क का एक बहुत बड़ा किरदार है। हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत आईपी पे रिलाई करती हैं। उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज का हम जिक्र करेंगे जो आजकल बहुत की हैं। जब भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का नाम आता है तो आपके जहन में क्या चीज आती है? IoT, बिग डेटा, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट सिटीज, ऑगमेंटेड रियलिटी, 5G। जो एक नॉन टेक्निकल बंदा भी है लेकिन उसको 5G, क्लाउड, AI, IoT, उसका नाम जरूर सुना है, क्योंकि आजकल की दुनिया इतनी फास्ट ग्रोइंग हो चुकी है कि उसने इनमें से किसी एक का नाम जरूर जरूर सुना होगा, भले उसको डिटेल्स ना भी पता हो। और जो भी स्पेशली टेक्निकल लोग हैं या जो इस फील्ड में हैं, वो डेफिनेटली उनकी एक इन डेप्थ नॉलेज हासिल कर चुके हैं और मजीद वो कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और हम आपको बताते हैं कि भाई आईपी नेटवर्क का क्या किरदार है। उससे पहले हम थोड़ा सा अपना एक एजेंडा डिफाइन कर लें कि हम क्या करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से, जैसे हम कर चुके हैं। फिर हम IoT पे जाएंगे और उस पे हम ये बताएंगे कि आईपी नेटवर्क किस तरह IoT की हेल्प कर रहा है, या IoT का एक मेन फंक्शन ही आईपी नेटवर्क है। उसके बाद बिग डेटा पे जाएंगे हम, फिर क्लाउड या क्लाउड कंप्यूटिंग जिसका हमने बहुत नाम सुना है आजकल। उसके बाद 5G, एवरीबडी इज टॉकिंग लाइक 5G इज कमिंग, 5G की टेस्टिंग हो रही है। रिसेंटली अभी एक कंट्री ने, साउथ कोरिया ने अपनी पास कमर्शियली लॉन्च भी किया है। तो 5G में क्या आईपी का किरदार है? एंड देन AI का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद हमने QA NA सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, जो डेफिनेटली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट विद IoT। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि IoT का नाम आपने सुना है, उसका मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक टेक्नोलॉजी है या एक ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज है जिसपे हम बात कर रहे हैं। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर वो चीज या हर वो इक्विपमेंट या हर वो सेंसर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो IoT के अंडर में आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी मोबाइल की भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये भी एक फंक्शन या एक मेन क्रिटिकल पार्ट है IoT का। इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसमें कुछ सेंसर्स हैं, ये डेटा इनपुट ले रहा है, उसको कुछ प्रोसेस कर रहा है और आपको दे रहा है। IoT की अगर हम लाइफ साइकिल देखें, जो स्टार्ट पहले हुई थी कि भाई टैबलेट्स, मोबाइल्स और प्रिंटर, उन पर ही IP डलती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करके कैमरे पे, IP कैमरा इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। उसके बाद हम अगर देखें मोशन सेंसर्स और वो वाटर सेंसर्स वगैरह। नाउ अगर आपकी बात करें या नियर फ्यूचर की बात करें, हमारे टी शर्ट्स, हमारे गैजेट्स, हमारे इवन कर्टन्स, दे आर आईपी बेस्ड, और उन सब में कम्युनिकेशन के कुछ सेंसर ऐसे हैं जो हमें मदद कर रहे हैं हमारी। इसको हम नॉर्मली थर्ड जनरेशन ऑफ भी कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन, जब हम सोचते हैं IP की बात आई है तो राउटर्स पे IP डलेगी या मेरे सिस्टम पे या मेरे मोबाइल पे। फिर हमने सेकंड जनरेशन मूव किया, जब हमने कहा यार हमारे अप्लायंसेस भी अब IP बेस्ड हो सकती हैं, मैं चाहूँ तो अपने फ्रिज को या अपने AC को, जैसे हम आजकल देख रहे हैं, दुनिया में कहीं बैठ कर कंट्रोल कर लें। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ IP रीचेबिलिटी, कि हम कहीं भी बैठे हैं, मैं अब दुनिया के एक कोने में बैठा हूँ और मैं अपने घर का AC ऑन ऑफ या उसकी डिटेल्स देख सकता हूँ, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और वो डेटा अपने साथ में किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। डेफिनेटली उसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होंगी। उसमें हम शायद प्रोसेसिंग की बात जब करें तो हम कंप्यूटर साइंस से मदद लें, फिर हम टेक्नोलॉजी की वजह बात करते हैं, वो जो सेंसर्स हैं या जो भी चीजें हैं, हम उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की बात करते हैं, हम उनसे मदद लें, फिर हम उन डेटा को गैदर करें, उसमें से उस बिग डेटा एनालिसिस करें, उसकी हम
आउटपुट निकालें और वो हम अपने पास मजीद स्मार्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सॉफ्टवेयर पे जाएं जहाँ पर उसकी अच्छी विजिबिलिटी हमें मिले। अच्छा, सेकंड चीज हम जब कहते हैं कि भाई आईओटी जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, हर चीज जो इंटरनेट पे, क्या वो आईओटी है या इसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है? या मैं, अगर मैं खाली बात करूँ तो थिंग्स ही जाते हैं इंटरनेट पर, क्या कोई प्रोसेस पे हम नहीं काम कर सकते? यस, अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आगे इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग आ गया है, या IoE, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। पहले एक इक्विपमेंट या एक सेंसर दूसरे ह्यूमन से बात करता था और ह्यूमन उसको ऑर्डर देता था दूसरे दूसरे एक्टिवेटर को, और वो उसको फुलफिल करता था। या मैं इस तरह कह लूँ कि एक एनी जो है अपना आउटपुट ह्यूमन को देती थी, ह्यूमन कंट्रोल एल्गोरिथम लगाकर या अपना डिसीजन मेकिंग लेके दूसरे इक्विपमेंट को ऑर्डर देता था, ये कह लो। अब और उसका एक प्रोसेस आउटपुट में आता था। अब वो प्रोसेस और प्रोसेस ही बात कर सकते हैं कि अगर मैंने एक काम किया तो उसका जो आउटपुट आया वो उसने ट्रिगर किया किसी और इक्विपमेंट की इनपुट को। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई रियल कॉमन लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे एक रूम में या डेटा सेंटर में मैं देखता हूँ कि भाई एक सेंसर लगाया मैंने टेम्परेचर, जब भी 20 डिग्री से नीचे आ जाए तो उसने सेंस किया कि हाँ भाई 20 डिग्री से नीचे आ गया है टेम्परेचर, ये ज्यादा हो गया टेम्परेचर, 21 हो जाता है, तो वो एसी को ऑन कर दे। तो बेसिकली यहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत मिनिमम हो गई कि एक सेंसर ने आउटपुट लिया और कुछ कैलकुलेशंस की और उसकी बेस पर किसी और इक्विपमेंट को या एक्टिवेटर को या कोई डिवाइस को उसने एक्टिवेट किया और कहा तुम ये चल जाओ। और इसी तरह जब एसी स्टार्ट हो गया और एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो गई और टेम्परेचर 10 पर आ गया, तो वापस उसने कहा भाई एसी बंद कर दो, तो वही सेंसर ने उसको वॉच किया। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर हम इसकी बात करें कि भाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आईपी किस तरह मदद कर सकती है, अगर मैं बेसिक लेयर्स बताऊं या बेसिक ब्लॉक डायग्राम बताऊं इंटरनेट ऑफ थिंग की, जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि मेरे सिस्टम की क्या, एक कंप्यूटर जो होता है, सिस्टम होता है, लैपटॉप होता है, उसकी क्या 3 बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, तो आप क्या बोलेंगे? एक मॉनिटर होगा, एक प्रोसेसर होगा और एक कीबोर्ड होगा। उसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो ऑप्शनल हैं। तो अगर ये 3 लेयर्स होंगी, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर एंड प्रोसेसिंग लेयर, उनके बीच में होगी। तो अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करें तो इनकी जो लेयर्स होती है, पहली लेयर होती है सेंसर्स की जो इनपुट ले रही होती है, फिर एक लेयर होती है कंट्रोलर की जो कंट्रोल कर रही होती है, और फिर एक नेटवर्क लेयर होती है जो आपके कंट्रोलर से डेटा लेकर आपके प्रोसेसर को, आपकी कोर को, डेटा सेंटर को प्रोवाइड कर रही है। तो जो नेटवर्क लेयर है वो इंतहाई इंतहाई बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह लूं कि इंटरनेट या आईपी का काम नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, तो ये बड़ा मुश्किल बात क्या, नामुमकिन बात हो जाएगी। इवन आईओटी स्टैंड स्टार्ट ही इंटरनेट से होता है, और इंटरनेट की बैकबोन या इंटरनेट का जो क्रक्स है वो आईपी नेटवर्क से है। अगर मैं कहूँ कि नहीं यार मैं सिर्फ लोकल ही काम करना चाहता हूँ, तो वहां भी आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ नेटवर्क चाहिए होता है। कोई भी सेंसर हो, चाहे वो डिजिटल सेंसर हो, चाहे वो एनालॉग सेंसर हो, उस डेटा को आपको कहीं ट्रांसपोर्ट करवाना है तो आपको एक आईपी लेयर चाहिए। इसी तरह जितने भी वाईफाई टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे एक्सेस लेयर पर होती हैं, जो आपके सेंसर से कम्युनिकेट करती हैं डेटा को पुल करने के लिए, तो उनके लिए हमें आईपी नेटवर्क चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँ कि भाई क्या मेजर काम है जो आईपी हेल्प कर रही है हमारे आईओटी के नेटवर्क में। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीचेबिलिटी टू सेंसर, सेंसर तक रीचेबिलिटी किस तरह आएगी? इस तरह आएगी कि भाई हमारा डेटा जो है कंट्रोलर तक पहुंचना है और सेंसर ने वो आउटपुट देना है जो उसने गेट किया है। मैंने एग्जांपल दी आपको थर्मोस्टैट की या टेम्परेचर सेंसर की, या आईपी नेटवर्क हैंडल ऑल कम्युनिकेशन ऑफ कंट्रोलर, जितने भी कंट्रोलर्स हैं, सेंसर का कंट्रोलर अलग होगा, वाटर का कंट्रोलर अलग होगा, उन सब की कम्युनिकेशन और इन सब का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा, चाहे वो कंट्रोलर्स पे आ रहा हो या कंट्रोलर से जा रहा हो आगे आपके नेटवर्क पे, तो इन सब की हेल्प जो है वो हमारा बेचारा आईपी नेटवर्क ही करता है, ठीक है ना। अब ये एक एग्जांपल हमने आईओटी की आपको बहुत अच्छी दे दी। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने स्मार्ट होम का नाम सुना होगा, जहां पर जैसे ही मैं एंटर होता हूँ जीपीएस लोकेशन ने मेरी मोबाइल की लोकेशन या मेरी गाड़ी की लोकेशन उठाई जीपीएस से, और उसने बताया कि मेरे घर से अगर मैं 100 मीटर दूर होता हूँ तो वो सिग्नल भेजे मेरे कंट्रोलर को, और वो कंट्रोलर क्या एक्टिवेट करे, मेरा दरवाजा खोल दे,
दरवाजा इतनी देर के लिए खोले क्योंकि मेरी गाड़ी अंदर चले जाए। जैसी गाड़ी अंदर जाए दरवाजा क्लोज हो जाए और मैं जैसे ही घर में एंटर हूं तो मेरा कॉफी मेकर जो है वो मेरा वेट कर रहा हो ताकि वो कॉफी बनाना शुरू कर दे। इसी तरह मेरी पसंद का टेम्परेचर सेट कर दे मेरा गीजर और वो एक्टिवेट हो जाए बिफोर एंटरिंग टू द होम। तो ये कुछ एग्जाम्पल है स्मार्ट होम की। तो इस पूरे स्मार्ट होम का जो कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं, साथ साथ जो पूरा नेटवर्क का जो लेआउट है, या मैं कहूँ नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है, वो दैट इज IP नेट स्ट्रक्चर। चाहे वो सेंसर की बात हो, चाहे वो कंट्रोलर की बात हो, चाहे वो डेटा सेंटर तक जाने की या आउटपुट शो करने की बात हो। अच्छा, इसके बाद हम IoT के बाद हम चलते हैं कि एक लफ्ज हमने सुना है बिग डेटा। बिग डेटा, बड़ा डेटा। बिग डेटा क्या है या बिग डेटा क्यों है, पहली बात कर लें। जब से डेटा से मुराद हमारा, एक वक्त था जब हम मोबाइल उठाते थे सिर्फ और सिर्फ कॉल करने के लिए या कॉल से ज्यादा SMS करने के लिए, कि हमें कोई चीज शेयर करनी है तो हमने SMS कर दिया कि ये हमारा घर का पता है या मेरे ईमेल एड्रेस है और वट एवर, कोई डिटेल हमें ऐसी जो हमें भेजनी होती थी। उसके बाद जब GSM से आगे हम निकले, थोड़ा 2.5G आया, जब हमारे पास हल्का फुल्का नेट चलना शुरू हुआ तो डेटा बढ़ना शुरू हुआ। फिर जब 3G आया, फिर 4G आया, तो मैसिव डेटा हमारा इन आउट होना शुरू हो गया। एक मोबाइल पर आपको आराम से 50-60 MBPS मिल जाती है स्पीड, जिसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो वीडियो हर तरह के इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे IoT या और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज भी इवॉल्व हुई, हर तरफ से आपको डेटा मिल रहा है। अब ये डेटा आ तो रहा है, इसका इनपुट भी हो रहा है, इवन इसका आउटपुट भी हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेसिंग भी हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इससे कोई इफेक्टिव या यूजफुल डेटा निकालूं, अदरवाइज ये डेटा मेरे लिए एक लिहाज से गार्बेज है। बहुत सारे, या इवन अगर आप जा रहे हैं मार्केट में, आपका बहुत सारी चीज डेटा आ रहा होता है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई अपना डिटेल बता रहा है, लेकिन आप सिर्फ वही बात सुनते हैं जो आपके काम की होती है, यानी कि आप डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। एक आदमी ने कहा भाई कल जो है वो फलाने जगह सेल लगी, आपने फोन में डेटा सुन लिया और अपना सेव कर लिया और अपने दोस्तों से शेयर भी कर लिया, तो वो डेटा आपने इन्फॉर्मेशन में कर लिया। इस तरह की जब लाखों करोड़ डेटा आएंगे तो उनको पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा, हमें उससे यूजफुल डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम शेयर करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि बिग डेटा की कुछ एग्जाम्पल के भी इतना बिग कैसे हो सकता है। इस वक्त हम जानते हैं दुनिया की आबादी तकरीबन जो है वो 6.5 बिलियन के करीब है, बट मोबाइल फोन हमारे पास 6 बिलियन कनेक्शन वहां पर एक्टिव है। फेसबुक पर तकरीबन 1.1 के तकरीबन यूजर फेसबुक पर है, जो और तकरीबन 0.65 मिलियन लोग जो हैं वो हमारे डेली मोबाइल डिवाइस पे यूज करते हैं। और अगर मैं सिर्फ आज से 2-3 साल पहले की बात करूं, लेट्स मेक इट 2016, जब तकरीबन 40% लोग जो है मोबाइल पर, सॉरी सिस्टम पे डेटा यूज करते थे, मतलब अपने सिस्टम पे, PC पे, लैपटॉप पे, यानी कि वो मोबाइल नहीं थे या वो ऑन द गो नहीं थे। जैसे 3G 4G ज्यादा आप कह लेंगे बड़ा है, तो आप 60-70% लोग ऑन मोबाइल हो गए हैं। हर चीज आप मोबाइल पर आपका अवेलेबल है, ऑन द गो आप कहीं भी हो। तो उस वजह से जो जनरेशन ऑफ डेटा है ना, वो बहुत बढ़ गया है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ डिजिटल कंटेंट के हवाले से, या उसके हवाले से कि इतना डेटा जो जनरेट कर रहे हैं। आप एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर IP, एक वक्त था कि भाई एक सिस्टम पर एक IP होती है हमारे घर के एक, और जो है वो इंटरनेट चला रही होती थी, हमारा वाईफाई मॉडेम कर लें या ADSL मॉडेम कर लें या वाईफाई राउटर कर लें, एक्सेस पॉइंट जो कहते हैं, और सारा घर जो है उसमें कुछ लैपटॉप है, मोबाइल है, वो इंटरनेट यूज कर रहे होते थे, ठीक है ना। एक एवरेज कर लेंगे, अगर 4 से 5 लोग हैं तो तकरीबन मैक्सिमम 8-10 IPs यूज हो रही होती। अभी हम पब्लिक और प्राइवेट पे नहीं जा रहे, हम IPs की बात कर रहे हैं। लेकिन जब से वो स्मार्ट होम का कल्चर आता है या वो IoT वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो आपके सिस्टम को IP चाहिए, मोबाइल को चाहिए, आपके टैबलेट्स को, आपके TV को, आपके फ्रिज को, आपके AC को, इवन आपके कर्टन्स को, इवन आपके गेट्स को, तो एवरीथिंग नीड्स एन IP, ठीक
ठीक है। तो जब इतनी आईपीज बढ़ गई, तो यानी इतनी एनीज जो ऑनलाइन हो गई, तो वो हर एनीज जो है वो डेटा जनरेट कर रही है, तो यूजेस ऑफ डेटा जो है ना वो बढ़ गया है, या आप कह लें कि डेटा की जनरेशन बढ़ गई है, उसका वॉल्यूम। अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि 2012 में, आज से कोई 6 या 7 साल पहले, जो है वो ऑलमोस्ट 3 3 जेटाबाइट ट्रैफिक जो है वो जनरेट होती थी एक एन एवरेज। विद इन अ 3 और 4 ईयर्स इट बिकम्स टू मोर देन 8 जेटाबाइट, मगर आप समझ, ऑलमोस्ट 3%, 3 टाइम्स, सॉरी। सो द जनरेशन ऑफ डेटा बहुत बढ़ गया। अच्छा, जब इतना डेटा है उसको आपको एनालिसिस करना है, डेफिनेटली आपको एक कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होगी, एक सॉफ्टवेयर की इंटरवेंशन चाहिए होगी, बट उस सॉफ्टवेयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को या उस डेटा को सॉफ्टवेयर तक ले जाने के लिए, या इवन उस सॉफ्टवेयर मशीन पे या सिस्टम पे जो एरेज ऑफ सर्वर्स हैं उनको आपको क्या कहते हैं उसको प्रोसेस करवाने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए, इतना जो बल्क ट्रैफिक है जो हर सेकंड में करोड़ों बिट्स ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, उसको ले जाने के लिए आपको एक एनालिसिस करने के लिए आपको एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए हो जो बहुत फास्ट हो, बहुत ऐसा नेटवर्क चाहिए होगा कि ट्रेडिशनल नेटवर्क वो चीज नहीं कर सकता, तो उस डेटा के लिए आपको आईपी नेटवर्क चाहिए होगा। या मैं अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर हमने सुना है 3 V's ऑफ बिग डेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का हम बहुत जगह कह चुके हैं कितना बड़ा वॉल्यूम हमारा है डेटा का। हमने तो एग्जाम्पल सिर्फ स्मार्ट होम की है, स्मार्ट सिटी की है, इस तरह की बहुत एग्जाम्पल है, किसी फैक्ट्री में आप लेकर अगर IoT एग्जाम्पल या कम्युनिकेशन एग्जाम्पल, उनके सिस्टम भी चल रहे हैं, उनका सर्वर फॉर्म भी चल रहा है, उनका जितने भी IoT के सेटअप्स हैं उनके IP कैमरास चल रहे हैं, IP प्रिंटर्स चल रहे हैं, वाइप की डिवाइसेस चल रही हैं, ये सब डेटा जनरेट कर रहे हैं, इससे मैं कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, तो उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेटली हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसा नहीं कि डेटा बहुत ज्यादा है वो आया फिर रुक गया, नहीं, कीप ऑन कमिंग कमिंग कमिंग, लाइक 1 सेकंड में, जैसे एग्जाम्पल दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल 20 डेटा आपके पास आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम वो टेम्परेचर, GPS लोकेशन, एवरीथिंग, मतलब ये डेटा से लेकर आपके पास बिग्स, मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा आ सकते हैं। और तीसरा भी, यानी वैरायटी, ऐसा नहीं है पहले से मतलब कोई डेटा लिखा हुआ आ रहा है, SMS आ गया, नो, अब आपके पास ऑडियो भी आ रही है, वीडियोस भी आ रही है, ग्राफिक्स भी आ रही है, जिफ भी आ रही है, डिफरेंट सेट ऑफ डेटा आ रहा है। तो ये 3 V's है ना बिग डेटा के, तो इन 3 V's को संभालने के लिए कोई एक बड़ा नेटवर्क चाहिए जो कि IP के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। अच्छा, 3 V's की हमने बात कर ली, उसके बाद बिग डेटा, जैसे हमने कहा कि हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसके एनालिटिक्स करते हैं, उस डेटा से उसका पैटर्न निकालते हैं और उससे कोई सर्टेन डिसीजन लेते हैं, तो ये सब कंप्यूटेशनल पावर डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगी, बट इस कंप्यूटेशनल पावर को आपस में इंटीग्रेट कराने के लिए नेटवर्क चाहिए होगा, IP नेटवर्क होगा। ये सर्वर फॉर्म्स हैं जो भी हमारे पास हैं, उन सब का एक ग्रुप ऑफ एरेज होगा, जिस तरह आपने नाम सुना होगा क्लस्टर्स ऑफ सर्वर्स, तो उन सर्वर्स की क्लस्टरिंग जरूरी नहीं है वो सर्वर एक साथ हो, वो किसी भी दुनिया के कोने हो सकते हैं, अगर हम जब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो हम उसमें भी जाएंगे। फिर आ जाएगी हमारा जी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? बादल, नेटवर्क का बादल। नेटवर्क का बादल क्या है? नेटवर्क का बादल है, जैसे हमने एग्जाम्पल दी कि बादल वो जगह है जैसे आप चलते रहते हैं, बादल आपके साथ चलता है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग आप ये कहेंगे ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। पहले एक जमाना था, एक छोटी सी छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वो अपने पास बहुत सारे PCs लेते थे, प्रिंटर्स लेते थे, उनको शेयरिंग पे रखते थे कुछ बचाने के लिए, फिर उनको वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था, तो फिर ये सारा प्रोसेस वो दोबारा करते थे, या वो नया कोई उनको बिल्डअप करना होता था वो दोबारा उस प्रोसेस को स्टार्ट करते थे। उसके बाद एक हमने वर्ड सुना क्लाउड कंप्यूटिंग, या क्लाउड सर्वर्स, या क्लाउड स्टोरेज, या क्लाउड मैकेनिज्म, क्लाउड प्रोसेसिंग, उसमें ये सारा डेटा हमने क्लाउड पर डाल दिया। क्लाउड से बात बादल नहीं है यहाँ पर, कि एक वर्चुअल जगह पर डाल दिया, बादल जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं बादल भी आपके साथ मूव कर रहा है, तो हमने उस लोकेशन को या उस पूरी कंप्यूटेशनल पावर को, और वो शेयर्ड बेस पर, मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम है और मैं उसका 30% रिसोर्सेज यूज करता हूँ, लेट्स सी,
तो व्हाई डोंट आई सेल दिस 70% टू समबडी एल्स, बट वो मेरे पास नहीं आएगा, ये सम केसेस में आ भी सकता है। हम शेयर की बात करें, अगर हम उसको एक थर्ड पार्टी पे रखते हैं या कुछ ऐसी कंपनियां हो जो ये बेचती यही हो कि वो उन्होंने बहुत सारे सर्वर्स ले लिए, रिसोर्सेज ले लिए और वो आपको शेयर कर रहे हैं। अब वो डिफरेंट टॉपिक्स है क्लाउड कंप्यूटिंग का, एक बहुत बड़ा, वो किस तरह शेयर करते हैं। फिर हर किसी का अपना क्लाउड होता है, कुछ पब्लिक क्लाउड होते हैं, कुछ प्राइवेट क्लाउड होते हैं, कुछ हाइब्रिड क्लाउड होते हैं, कुछ पब्लिक क्लाउड होते हैं कि उनका काम ही ये होता है कि जो अपनी क्लाउड सर्विसेज है वो भेजते यही है कि वो प्रोसेसिंग या स्टोरेज आपसे शेयर करेंगे। उसमें मल्टीपल मल्टीपल कंपनीज बंदे आ सकते हैं। तो जब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात होगी तो डेफिनेटली आपको नेटवर्क तो बहुत स्ट्रांग चाहिए, कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग चाहिए, प्लस आपके पास अवेलेबिलिटी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो ये सब तीन चीजों की हमने बात की, तो व्हाट कम्स इन अवर माइंड, आईपी नेटवर्क। आप कभी भी कोई और टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होगी जो आप क्लाउड कंप्यूटिंग में मदद दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, सॉरी, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ एक ऑफिस की, एक ऑफिस है हेड ऑफिस, ठीक है, और ये इसके ब्रांच ऑफिस हैं साइड ए साइड बी, ये सब आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। तीन ऑफिस हैं, कल कोई 400 ऑफिस हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर हमें हर किसी से मैच ना। तो हमने उससे अच्छा ये किया कि हमने एक क्लाउड से सर्विसेज ले ली और हमने कहा भाई हमें हर नेटवर्क और अपने हर हर ब्रांचेस, सॉरी, हर नेटवर्क नहीं, हर नेटवर्क भी एक ब्रांच ही है, हर नेटवर्क या हर ब्रांच को हमें कम्युनिकेशन चाहिए और हमारे पास कुछ सर्विसेज हैं जो हमें शेयर करनी है। हमने भी क्या किया, अपनी हर ब्रांच से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी एग्जाम्पल लूँ, हमने इस ब्रांच की अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि मैंने ये जो है हमारा साइट ए, इसके आगे एक राउटर स्विच लगाया और उसको क्लाउड से कनेक्ट कर दिया, यहाँ भी यही किया, यहाँ भी यही किया, डेफिनेटली एच क्यू है तो यहाँ हमने रिडंडेंसी का भी ख्याल रखा, और यही क्लाउड हमारा कुछ सर्विसेस हमने परचेज की हुई है किसी कंपनी से, ठीक है, और ये हमारा डेटा सेंटर भी है, ये भी क्लाउड से कनेक्टेड है। तो यानी एक क्लास से चार लोकेशंस हैं जो क्लाउड से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमें किस हद तक आईपी का मदद लेनी पड़ेगी, ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट। वो इस तरह है कि इंपॉर्टेंट कि जब भी कम्युनिकेशन होगी, एक तरीका तो ये था कि मैं इन हर ऑफिसेस को आपस में कनेक्ट करता, लेकिन बात वही, जब स्केलेबिलिटी हमें चाहिए होती है, हमारे ऑफिसेस बढ़ जाते हैं या नई सर्विसेज आती हैं, फिर हमें अपना नेटवर्क रीडिजाइन करना पड़ता है, एक हद तक स्केलेबिलिटी होती है। जब वो क्लाउड पे हो गए तो हमें उन चक्रों से, तो रीचेबिलिटी जो है ना वो आपको आईपी नेटवर्क प्रोवाइड करता है, फिर बैंडविड्थ कंट्रोल, प्लस इतना डाटा हम क्लाउड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हेड ऑफिस से हमारे पास अवेलेबिलिटी हमें चाहिए, तो ये सब चीजें और सिर्फ क्लाउड पे जो मिलती हैं वो आईपी के मरहूने में न थी। फिर हम आ जाए 5G। 5G का हमने बड़ा नाम सुना है, 5G आ रहा है, 5G आ रहा है, 5G आने वाला है, 5G चाहिए हमें। तो 5G इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पीड, डेफिनेटली स्पीड इज अ गुड कंसर्न या मेन कंसर्न है हमारा, बट 5G का जो कुछ फीचर्स है ना जो हमारी टेक्नोलॉजी को बहुत बूस्ट करेंगे, उनमें सबसे बड़ी बात है स्पीड। जैसे हमने कहा अभी हमें कुछ MBs, या अगर हम अच्छी स्पीड की बात करें तो 150 MBPS, और रियल लाइफ की एग्जांपल थ्योरेटिकली तो स्पीड डेफिनेटली ज्यादा होती है एंड फील्ड तक, वहां हमें GBs में स्पीड अवेलेबल होगी। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, लेटेंसी के हवाले से, अभी जो एवरेज लेटेंसी है 4G की वो 30 से 40 या 20 से 40 की आइडियल कंडीशन पर मिल जाती है, वहां पर लेटेंसी आपकी अप टू जो डिग्रीज हो जाएगी ना 1 1 ms या 1 ms तक आ जाएगी। फिर बैंडविथ बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगी, फिर अवेलेबिलिटी का इश्यूज है, फिर जब लो पावर होगी तो बैटरी लाइफ डेफिनेटली बढ़ जाएगी। अभी जो सबसे बड़ा इशू आता है कि जैसे ही हम 3G खोलते हैं तो हमारी बैटरी बड़ी जल्दी मोबाइल की खर्च होती है एज कम्पेयर टू 2G, ठीक है, तो वो बड़ा एक मेन कंसर्न है हमारे जहन में। तो अगर 5G की हम बात करें, इस तरह का हमारा कुछ नेटवर्क है और डेफिनेटली वो भी क्लाउड बेस्ड ही होगा, क्लाउड रैन और क्लाउड कोर की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो उसमें 5G में वो किस तरह मेरी जो है वो आईपी को मदद कर सकता है या आईपी नेटवर्क मदद कर सकता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं इस तरह की, हम इसको मूव कर लेते हैं यहाँ पर, कुछ एग्जांपल दूं मैं अगर आपको,
कि तीन बेसिक जो पैरामीटर्स हैं हमारे 5G के, एक तो ये कि हमारे ब्रॉडबैंड स्पीड EMMBB कि इनहैंस्ड स्पीड ऑफ मल्टीमीडिया ब्रॉडबैंड, उसके बाद वेरी लो लेटेंसी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें लेटेंसी बड़ी मैटर करती है, जैसे अगर मैं ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करूं या मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करूं कि वहां मुझे बहुत ज्यादा लेटेंसी मेरे एक्सपीरियंस को बड़ा खराब कर देती है, या मैं अगर एग्जाम्पल दूं जहां पर हम रियल लाइफ ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम कर रहे हैं कि मैं चलता हुआ जा रहा हूँ एक केव में, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसा लगे जैसे मैं हाथ लाऊं तो मेरा हाथ तो वहां भी आगे दिखे, या मैं किसी को टच करूं तो मुझे डिले या लैग ना मिले, या जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उनके लिए स्पेशली। और उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो IoT का हमने डिस्कस भी किया था कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रही है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन हो, वो इतनी फास्ट हो, वो इतनी इफेक्टिव हो कि उसमें हमारे पास कनेक्शन एरर्स का मसला ना आए। तो ये तीन एक पैरामीटर हम कह लेंगे, तीन जो है बेसिक 5G के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उन तीनों को सर्व करने के लिए व्हाट कम्स इज IP नेट। इवन अगर मैंने आपको एग्जांपल दूं कि पहले एक सिंपल नेटवर्क होता था 3G 4G का, एक रैन है, रेडियो पार्ट है, फिर एक एग्रीगेशन पार्ट है जिसमें हमारे नेटवर्क वगैरह, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, माइक्रोवेव आ जाता है, उसके बाद हमारा कोर आता है जहाँ पर हमारा EPC वगैरह लगा हुआ है, अगर हम 4G की बात करें, अगर 3G में RNC की बात करें और 2G में हम PSE की बात करें। तो इसी तरह 5G में जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है कि वहां पर जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेटा सेंटर जो भी है लोकल या रिमोट, वो क्लाउड बेस की तरफ, जिसकी हम एग्जांपल अभी हमने दी थी क्लाउड कोर या क्लाउड रैन तक, के सारे रैन के जो इक्विपमेंट है वो भी क्लाउड से बात कर रहा है, यानी वो रैन से मुराद वो BTS जो है वो भी ऑलवेज क्लाउड की तरफ जाएगा, तो उससे हमारे ओपैक्स एंड कैपैक्स में बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब जितने भी मल्टीपल सर्विसेज हैं, एक वक्त था जैसे GSM की मैंने बात की, SMS जा रहा है, कॉल जा रही है, फिर डेटा आ गया 3G में, फिर 4G में मजीद स्पीड बढ़ गई तो और डेटा हो गया, पहले पहले सिर्फ ऑडियो जाती थी, फिर वीडियो जाना शुरू हो गई, फिर लाइव वीडियो जाना शुरू हो गई, तो मल्टीपल सर्विसेज, फिर वाइप की कॉल से कि भाई जब डेटा तो चलो आप लेटेंसी बर्दाश्त करोगे लेकिन वॉइस में आपको लेटेंसी बहुत एक सर्टन वैल्यू से ज्यादा लेटेंसी अगर होगी तो हमें आपकी बात समझ में नहीं आएगी दो बंदों को, तो उस लेटेंसी का बड़ा ख्याल रखना होता है। प्लस मल्टी कनेक्टिविटीज की, पहले एक नेटवर्क था वो 2G का था, ओके ठीक है हर कोई चूज कर रहा है एक टाइप, अब डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं, 2G 3G की अगर हम बात करें टेलीकॉम के हवाले से, या IP के हवाले से हम सिस्टम की बात करें, मल्टीपल टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं, या ऑन डिमांड डिप्लॉयमेंट्स, कि अभी हमने कहा ये हमारी कनेक्टिविटी है हमने यूज करी और खत्म कर दी, अब जब कॉन्सेप्ट आगे क्लाउड का, क्लाउड कोर का या क्लाउड रैन का, तो यानी कि हम कोई भी BTS होगा जो जिसको हम 5G में कहते हैं जी नोड भी, वो हम कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, इवन हमारा जो स्ट्रीट लाइट होती है वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं, तो हमने डिप्लॉय किया और उसको कोई मीडिया नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट इंटरनेट पे जाएगा, क्लाउड पे जाएगा, तो वो साइड ऑन लेयर, जिसको हम कहते हैं ऑन डिमांड डिप्लॉयमेंट, यू डोंट नीड कि भाई एक साइड लगे, फिर उसका माइक्रोवेव लगे, फिर वो फाइबर पे जाए, फिर वो कोर पे जाए, फिर वो कमीशन हो, नो, इसकी फास्ट डिप्लॉयमेंट और रेडी डिप्लॉयमेंट, आपने साइड लगाई, आपने कम्युनिकेशन की, आपने साइड उतार ली, ठीक है ना, शॉर्टर पीरियड हो बड़ा सर्विस डिप्लॉयमेंट में और बड़ा फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट हो, तो ये सब चीजें डेफिनेटली IP नेटवर्क ही देगी, और 5G तो है ही फुल IP बेस्ड नेटवर्क, इवन 4G भी काफी हद तक था, बट 5G इज कम्प्लीटली IP बेस्ड नेटवर्क, जहां पर हम सॉरी जहां पर हम फ्रॉम यूजर टू कोर हर चीज IP बेस्ड पर है, फिर जब हम वॉइस ओवर LTE पे जब हम जा चुके हम आ चुके हैं, जैसे अब ट्रस्टिंग काफी हो चुकी है, तो वहां भी कम्प्लीटली IP बेस्ड है, लेकिन ये तो कम्प्लीटली इंटायरली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये पूरा कम्प्लीटली IP बेस्ड ही है, तो ये हमने 5G का हमें दिया। फिर हमने एक बड़ा लफ्ज सुना है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि जो AI है, जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी है बेसिकली, वो क्या कर रही है या वो क्या कर सकती है, उसकी एक एग्जाम्पल तो हमारे पास है फेसबुक, किसी हद तक AI यूज करती है, जैसे आपने एक कमेंट लिखा, आपने अपने दोस्त को टैग किया एक चीज पर, और जब भी आप एक तरह की फील्ड पर कि जहां भी कोई क्रिकेट की पोस्ट आती है मैं उसको लाइक करता हूँ, तो उसने वो चीज बार बार सुन के लर्न कर ली आर्टिफिशियली,
और उसने नेक्स्ट टाइम आपको वही पोस्ट दिखाया जो क्रिकेट से रिलेटेड पहले हो। तो एआई आप इस तरह कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली जो है ना, हमें एक बंदा नहीं बढ़ाया हमने कि वो आपको देखे कि आपके लिहाज से, जिस तरह एक मैं आपको रियल एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमेशा पहले चाय पीते हैं फिर आप खाना ऑर्डर देते हैं, तो उतनी दफा जब आप ये काम करेंगे थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जब आप वहां जाएंगे तो होटल का जो बंदा होगा, मालिक होगा या जो बहरा होगा, वो आपको चाय ला के देगा, उसके बाद आपको वो ऑर्डर देगा, उसको पता है कि आप ये चीज करते हैं। तो वहां पर वो ह्यूमन ने वो चीज लर्न कर ली, वही सेम कॉन्सेप्ट जो है एआई का है, बट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम डेवलप कर रहे हैं कि जिस तरह इंसान कोई चीज लर्न करता है, मैं एक जगह से जा रहा हूँ और मुझे चोट लग गई, नेक्स्ट टाइम मैं वहां से जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा हट के जाऊंगा पत्थर से, तो मैं वो चीज लर्न करता हूँ। तो हम प्रोसेसेस को या हम सिस्टम को या कंप्यूटर को हम वो चीज लर्न कराते हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डिफरेंट मैकेनिज्म है कि हम मुख्तलिफ पैरामीटर से, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, क्वांटिटी से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर हम उसमें इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं। अब नाउ व्हाट कम्स, हाउ आईपी इज हेल्पिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। जितने भी एआई के सिस्टम्स हैं डेफिनेटली वो एक साथ नहीं होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो सेंट्रलाइज नहीं होंगे, तो उन सबकी कनेक्टिविटी, उन सबकी कम्युनिकेशन इज व्हाट आईपी नेटवर्क इज गिविंग। और जितनी बैंडविड्थ चाहिए, जितनी बैंडविड्थ कनेक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देनी है वो, और आईओटी एआई जो है वो आईओटी को बड़ा फोकस करती है। इवन एक चीज ये है कि द फ्यूचर ऑफ आईओटी इज एआई, कि अभी तो मैं आईओटी से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, आगे दे रहा है वो आईओटी, वो प्रोसेस कर रहा है, लेकिन वो प्रोसेस इतने इफेक्टिव हो या वो इतने फास्ट लर्निंग हो, तो उसमें हमें एआई की चाहिए कि हाँ वो प्रोसेस जो हो रहा है वो मुझे फीड ना करना पड़े, वो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड, वो प्रोसेस को लर्न करे और उसका आउटपुट भी एक्सट्रैक्ट करे। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टेम्परेचर एग्जाम्पल दी थी कि अभी तो मैंने फीड कर दिया 20 डिग्री से हो तो फौरन जो है एसी चला दो, लेकिन कभी ऐसा हो कि ड्यू टू एनी रीजन टेम्परेचर बढ़ा, किसी ने एक्सटर्नली बढ़ा दिया या ड्यू टू एनी एरर वो सेंसर ने जो है वो मलफंक्शन किया, उसने गलत आउटपुट दे दिया तो एसी चल गया, नहीं तो वो लर्न भी करे कि हाँ भाई नॉर्मली मैं शाम को दोपहर में 12 बजे के टाइम पर ये इशू आता है, तो वो लर्न कर ले। या अगर हम लाइट की बात करें तो अगर अंधेरा हो तो लाइट जल जाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि बादल आ गए थोड़ी देर के लिए, तो वो सब चीज़ें आर्टिफिशियली लर्न करे। तो एआई इज बेसिकली अ फ्यूचर एंड आईओटी विल हेल्प इट। अच्छा, अब एक टॉपिक, एक क्वेश्चन जो था बड़े जहन में हमारे था, काफी लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि ये क्या ये सारी टेक्नोलॉजी आपस में रिलेटेड हैं या नहीं, कोरिलेशन की बात कर लें। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देना चाहूंगा इसकी, फॉर एग्जांपल कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ना, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, आईओटी हो, बिग डाटा हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो आईपी से रिलेटेड है ही, ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या कि इन सबका भी आपस में कोई रिलेशन है? डेफिनेटली हमने जैसे कुछ की एग्जाम्पल हमने दी है, फॉर एग्जाम्पल कि जितना भी आईओटी है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस करेगा या उसकी हेल्प करता है आईओटी का क्लाउड कंप्यूटिंग, या 5G, जितनी भी हमने 5G की बात की, वो 5G नेटवर्क की, कि उस पर क्लाउड कोर होगा, क्लाउड रैन होगा, तो डेफिनेटली क्लाउड कंप्यूटिंग उसकी हेल्प करेगी। और क्लाउड किसी हद तक आईपी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी हेल्प कर रही है, क्योंकि हम डेटा क्लाउड पे लेके जा रहे हैं, और आईओटी के लिए आपको 5G चाहिए डेफिनेटली, और भी चीजें चलेगी, लेकिन आईओटी विल वर्क बेटर इन 5G, हम इस तरह कह लें। आईओटी की एग्जांपल है स्मार्ट सिटी, या देयर इज वन मोर वन एग्जांपल, ऐसी बहुत सारी स्मार्ट होम है, आईओटी की हजारों एग्जांपल्स हैं, बहुत सी हमने डिस्कस की। तो स्मार्ट सिटी का जो इतना डेटा आईओटी से आ रहा होगा, तो उसको एनालिटिक्स करने के लिए हमें बिग डेटा की मदद लेनी पड़ेगी, उसके एनालिटिक्स करनी पड़ेंगी डेफिनेटली। जब हम बिग डेटा की बात करते हैं, डेटा आ गया, फिर हमें उसमें आर्टिफिशियली उसको इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा, तो
ये सब आपस में रिलेटेड भी है, कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी अकेले नहीं काम करती, देर आर टन्स ऑफ टेक्नोलॉजीज इन। इसमें हमें कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए होगी, हमें इसमें सॉफ्टवेयर नेटवर्क भी चाहिए होगा, इसमें हमें सॉफ्टवेयर की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए होगी, वेब एप्लीकेशन भी चाहिए होंगी, बहुत सारी फील्ड है जो इसमें क्रेडिट। इसमें सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, IoT में, क्लाउड में, 5G में, हर चीज में, स्मार्ट सिटीज में, तो इन सब के लिए हमें मॉनिटरिंग भी चाहिए होगी। तो ये हमारा टॉपिक था, ये सेशन है, इसमें आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक, अपना क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल आपको उसका आंसर भी हम बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर द सेशन, और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा सेशन रहा। आप अपने फीडबैक्स और कंसर्न हमें बिल्कुल शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे, SMS पे, फोन पे, किसी भी तरह से। और जाते जाते मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह हम ये लाइव सेशंस या रिकॉर्डेड सेशंस हम कर रहे हैं आपके लिए, इंशाल्लाह हम आगे भी करते रहेंगे, और आपका जो अप्रिसिएशन है वो डेफिनेटली बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसी अप्रिसिएशन जो है हमें बूस्ट करती है कि हम फर्दर भी आपके लिए इस तरह की चीजें शेयर करते रहें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, ज़्यादा से ज़्यादा आप फेसबुक का मेरा पेज शेयर करें बेस्ट टेक्नो के हवाले से, अपने से, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर से, और आपकी अप्रिसिएशन चाहिए। थैंक यू वेरी मच।